प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत थॉमस हॉब्स नामक वेस्टर्न थिंकर्स की लाइफ हिस्ट्री में हम आपको उनके उनसे जुड़े हुए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी है उससे परिचित कराते हैं। देखते हैं कि हॉब्स का मानव संबंध, मानव स्वभाव किस तरह से होता है। हॉब्स ने मानव सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस रूप में प्रतिपादित किया है, कैसे उसने उसका जिक्र किया है और क्या क्या वो बताना चाहता है, इन सारे तथ्यों को मैं इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और हॉब्स ने मानव स्वभाव को किस रूप में प्रदर्शित किया है, कैसे उसने बताया है, आइए उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो किस प्रकार से कारगर सिद्ध हुआ है, उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की अगर चर्चा की जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हॉब्स, लॉक्स, रूसो तीनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तीनों ने अपने अपने विचारधारा के माध्यम से अपने अपने अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लागू किया, उसको प्रतिपादित करने का कार्य किया है। ठीक उसी भांति उसी रूप में हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते को किस रूप में संजोने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। हॉब्स की जो राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। उसने जो सबसे पहला जो राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत की है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर देखा जाए तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उन्होंने विभिन्न चरणों में किया है। तो विभिन्न चरणों का जब जिक्र करें तो सबसे पहले चरण जो क्या है, वो मानव स्वभाव का चित्रण। उन्होंने मानव के स्वभाव का चित्रण किया है और वो किस रूप में किया है, कैसे उन्होंने प्रदर्शित करने का बात किया है। हॉब्स का मूल मंत्र था, क्या मूल मंत्र था, स्वयं को पढ़ो, अर्थात अपने आप को पढ़ो, स्वयं जान जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और वो सदैव इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होता है। यानी राजनीतिक समाज की अगर हम बात करें, उसके अध्ययन की बात करें, तो उसका जो शुरुआत होता है वो मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होता है। मनुष्य क्या सोचता है उससे प्रारंभ होता है या होना चाहिए, उसी से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक, अगले स्टेप में देखते हैं मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 में प्रकाशित हुए थे। मानव स्वभाव संबंधी जो हॉब्स ने विचार दिया था वो कब दिया था, 1640 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। तो आइए मानव स्वभाव से संबंधित जो उसकी व्याख्याएं हैं उसको अगले क्रम में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि अगले क्रम में उसने किस प्रकार से मानव स्वभाव का चित्रण किया है और उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करने का कार्य किया है। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि हॉब्स मानव के स्वभाव को किस रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, कैसे वो संदर्भित करना चाहता है कि मनुष्य का स्वभाव किस रूप में है, कैसा है। तो हॉब्स ने मानव को, मानव का चित्रण जो किया है एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में किया है, भयग्रस्त प्राणी के रूप में किया है, करता है और कहता है जो सदैव अपने हित साधने की चेष्टा में लगा रहता है। मनुष्य के बारे में कहता है कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा स्वार्थी किस्म का होता है, भयग्रस्त होता है, डरा हुआ होता है और वो सदा जो है अपने हित को साधने की चेष्टा में लगा रहता है, अपने स्वार्थ के लिए निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अर्थात
कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में हमेशा वो लगा रहता है कि उसका हित हो, उसका अनहित अनहित ना होने पाए, ये हमेशा उसका सदैव प्रयास रहता है। ठीक है, आगे उसके अगला पॉइंट के तहत देखते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने यश को बढ़ाना होता है। वो ये चाहता है कि उसका मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे और उसमें शक्ति की लिप्सा बराबर बनी रहती है। क्या वो हमेशा शक्ति को अर्जित करना चाहता है, अपार शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, ये उसकी लालसा होती है। और मनुष्य की लालसा तभी खत्म होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक उसकी लालसा निरंतर बढ़ती रहती है, निरंतर आगे बढ़ने की और अग्रे आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करती रहती है। ये लालसा तभी खत्म होती जब उसकी मृत्यु हो जाती। हाफ्स मनुष्य को आत्म केंद्रित स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी मानता है। कैसा मानता है कि मनुष्य को कहता है कि वो आत्म केंद्रित प्राणी है, वो भयग्रस्त प्राणी है और स्वार्थी प्राणी है। वो हमेशा अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए सदैव प्रयास करता रहता है, वो अपने हित को साधने के लिए दूसरे के हित को नुकसान पहुंचाने से तनिक भी परहेज नहीं करता है। तो आइए अब देखते हैं कि हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था क्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। ये चर्चा करते हैं, देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था की जब हम चर्चा करें तो देखते हैं किसी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। इसके अंतर हाब्स जो है तमाम सारे बिंदुओं की चर्चा करता है, तमाम सारे तथ्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हाब्स जो है प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। किसकी संज्ञा देता है, राज्य की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पूर्व की जो स्थिति होती है उसको हाब्स क्या कहता है, प्राकृतिक अवस्था कहता है। और साथ ही साथ कहता है कि मानवीय स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करते हुए मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वो ये बताता है कि जब मानवीय स्वभाव का चित्रण करते हुए यह बताता है कि हाब्स के बारे में जब चर्चा की जाती है तो हाब्स कहता है हम मानव स्वभाव में संघर्ष के तीन मुख्य कारण देखते हैं। वो तीन मुख्य कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण संघर्ष की स्थिति बनती है, संघर्ष होती है, वो प्रमुख कारण क्या है, उनकी चर्चा इस रूप में कर सकते हैं। हाब्स कहता है कि मानव स्वभाव में संघर्ष के प्रमुख तीन कारण हैं और वो इस प्रकार से, पहले कारण है वो है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे से ज्वलनशील रखना और उससे बराबरी करना, एक इसका जो है प्रमुख कारण है कि वो कोई हमसे आगे ना जाए, हम उस सबसे ज्यादा आगे रहें। तो प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो क्या है, संघर्ष का कारण तय करती है, पहला कारण है। और दूसरा कारण है भय। दूसरा कारण क्या है कि मानव स्वभाव में संघर्ष की स्थिति कब होती है, भय पैदा कर डर जाता है तब संघर्ष की स्थिति बन जाती है। और तीसरा कारण है यश। यश क्या चीज है कि अपनी शान शौकत बनाने के लिए व्यक्ति एक दूसरे से संघर्ष करता रहता है। वो चाहता है जहां पर हम है हमारी बराबरी में कोई ना आए, हमारे यश को कोई प्राप्त ना कर सके, इसलिए वो निरंतर संघर्ष करता रहता है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो मनुष्य स्वभाव को तीन मुख्य कारण देखते हैं जो कि प्रमुख रूप से एक तो नंबर एक पर प्रतिस्पर्धा है, दूसरे पे भय है और तीसरा यश। ये तीन कारण है जिससे मानव स्वभाव में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ठीक, आइए आगे चर्चा करते देखते हैं हाब्स जो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है तो प्राकृतिक अवस्था में बताया गया कि शक्ति ही सत्य है, अर्थात जिसके पास शक्ति है वही सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि है,
शक्ति को ही सत्य माना गया है। शक्ति ही सत्य की अवधारणा पर आधारित है और उन इसमें जब चर्चा की जाती है प्राकृतिक अवस्था में की जाती है कि जिसके पास शक्ति है वही सत्य है, जैसे कि माइट इज राइट, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित है। अब आगे देखते हैं, कहा गया है कि जो कोई भी हब्स कहता है, जो कोई भी जो कुछ ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता है। यानी कि हब्स कहता है कि जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति जो कुछ ले सके, जितना वो प्राप्त कर सकता है और जितनी देर अपने पास रख सकता है, वो वस्तु उसका उसी समय तक उसकी है, अन्यथा उस पर दूसरे का अधिकार निश्चित है। ठीक, तो ये प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए हब्स अपने विचारधारा के अंतर्गत ये सब सारी चीजें बताने का प्रयास करता है। आइए अगले क्रम में देखते हैं। अगले सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं कि हब्स और कौन बिंदुओं पर चर्चा करता है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की बात करता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जो उस समय का राज्य की उत्पत्ति के पहले का जो समय था उसे हम प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानते थे। तो प्राकृतिक अवस्था में कौन कौन से अधिकार थे, कौन कौन से कानून थे, उनकी चर्चा की जाती है। तो हब्स इन बिंदुओं के माध्यम से इससे बताना चाहता है कि राज्य की उत्पत्ति की पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक स्थिति कहा गया है। उसके अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त होते थे, जो लोगों को उसके अधिकार के रूप में प्राप्त होते थे, और जो प्रकृति का कानून होता था वही उनका कानून माना जाता था। तो इस आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। और अगले बिंदु में देखते हैं अनुबंध तथा राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के पूर्व किस प्रकार से अनुबंध हुआ और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, लोगों ने क्या किया, जब उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रहे, तो वो सब एक लोग इकट्ठा हुए और किसी एक व्यक्ति को उसका मुखिया बनाया और कहा कि आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। और उनके बीच एक समझौता हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको हर अपना राजा मानूंगा और आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। तो दोनों के बीच जो समझौता हुआ उस समझौता को आगे बढ़ाने का कार्य क्या है, हब्स अनुबंध तथा राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताता है, समझाता है। पांचवें बिंदु के रूप में अगर हम चर्चा करें तो संप्रभुता का स्वरूप। संप्रभुता का स्वरूप कैसा होगा, जब राजा जो है समस्त आम जनता सब जितने इकट्ठा होकर जाकर राजा के पास एक प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं भाई आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए, हम आपको सब अपना आपको राजा मानते हैं, हम प्रजा हैं। तो इस समझौते के आधार पर इस राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, चलाया गया, समझाया गया। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की हब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने तीन चार बिंदुओं पर चर्चा की। एक तो मानव की स्वभाव की स्थिति कैसी है, मानव का स्वभाव कैसा है, उसका चित्रण किया गया। उसके पश्चात प्राकृतिक अवस्था की बात की गई, फिर प्राकृतिक अधिकार तथा कानून की बात की गई, और फिर अनुबंध तथा राज की उत्पत्ति की चर्चा की है, और लास्ट में करते हैं संप्रभुता के स्वरूप की बात करते हैं, संप्रभुता किस रूप में होगी उसकी चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हब्स के द्वारा जो प्रतिपादित सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके अंतर्गत मैंने आपको आज की क्लास में जानकारियां प्रदान की, आपको उससे अवगत कराया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपके जीवन पर्यंत जीवन उपयोगी सिद्ध होगी। मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।